Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to teach you cataphoric reference and anaphoric reference. So first of all, what is cataphoric reference? It refers forward. ठीक है, आगे का हवाला. Now definition देखते हैं इसकी. Cataphoric reference means that a word in a text refers to another letter in the text and you need to look forward to understand. तो cataphoric reference वो रेफरेंस है जो टेक्स्ट में किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आपको टेक्स्ट में आगे जाना पड़े या टेक्स्ट आगे रीड करना पड़े, इसे हम कहेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस. फॉर एग्जांपल, व्हेन ही अराइव्ड जॉन नोटिस्ड दैट द डोर वाज ओपन. अब यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है. ठीक है, नाउ हुज अराइव्ड, ये जानने के लिए यू विल रीड टेक्स्ट फॉरवर्ड. ठीक है, तो आप टेक्स्ट में आगे जाएंगे, यू विल लुक फॉरवर्ड इन द टेक्स्ट. ठीक है, तो आप टेक्स्ट में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ही जो है वो रेफर कर रहा है जॉन को. ठीक है, तो ही किसे रेफर कर रहा है? ही रेफर कर रहा है जॉन को. तो ऐसा हवाला जिसमें जो है वो किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जा रहे हैं, उसे कहेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस. मज़ीद कैटाफोरिक रेफरेंस के एग्जांपल देखते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD. नाउ अगर आपने यहाँ तक सेंटेंस को रीड किया तो आपको ये नहीं पता चला कि हु वाज कैम्पिनन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जाएंगे, टेक्स्ट आगे रीड करेंगे. हु वाज हिज कैम्पिनन, तो आपको पता चलेगा हिज कैम्पिनन वाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. ठीक है, अच्छा आपको एक और ट्रिक बताती चलूँ यहाँ पे कि आपने नोटिस किया होगा कि कैटाफोरिक रेफरेंस में हमेशा आपको सब्जेक्ट और वी कैन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको टेक्स्ट में हमेशा पहले जो है वो नज़र आता है. ठीक है, प्रोनाउन आपको हमेशा टेक्स्ट में पहले ही नज़र आता है, वो पहले ही मेंशन होता है. ठीक है, जबकि जो नेम होता है ठीक वो आपको दूसरे नंबर पे सेकंड पे नज़र आ रहा होता है, वो आपको बाद में नज़र आ रहा होता है. ठीक है, तो कैटाफोरिक रेफरेंस में ये अगर आपको ट्रिक समझ आ गई कि कैटाफोरिक रेफरेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको पहले ही मेंशन किया जाता है और जबकि जो नाम होता है वो सेकंड पे होता है. ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस समझ आ जाएंगे. ठीक है, मज़ीद एग्जांपल देखते हैं. जैसे बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन. अब यहाँ पे जो शी है, शी इज़ अ प्रोनाउन ऑब्वियसली. अब इससे क्या मुराद है, हु शी, हु फिनिश द वर्क, तो ये जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शी रेफर्स टू नीलम. ओके, तो आपको पता चलेगा कि शी जो है वो रेफर कर रही है किसे, नीलम को. ठीक, तो इस रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, कैटाफोरिक रेफरेंस. चलें एक और जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट. अब शी जो है वो प्रोनाउन है. हु एंटर्ड द रूम, ये जानने के लिए शी से क्या मुराद है, ये जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा शी रेफर्स टू ज़ेबा. ओके, तो इसे कहेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस. तो किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जाएं, इसे कहेंगे कैटाफोरिक रेफरेंस. नाउ व्हाट इज़ एनाफोरिक रेफरेंस. एनाफोरिक रेफरेंस इट रेफर्स बैकवर्ड. ठीक है, तो एनाफोरिक रेफरेंस वो हवाला होता है जो टेक्स्ट में किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आपको टेक्स्ट में पीछे जाना पड़े, उस हवाले को कहेंगे एनाफोरिक
reference. अब definition देखें. Anaphoric reference occurs when a word or phrase refers to something mentioned earlier in the discourse. You need to look backward to understand. ठीक है, तो anaphoric reference वो reference होता है जो text में किसी word की meaning जानने के लिए आपको text में पीछे जाना पड़े, text पीछे देखना पड़े, तो उसे कहेंगे anaphoric reference. For example, Ali went to the bank. He was annoyed because it was closed. अब यहाँ पे देखें कि आपको दो anaphoric references मिले हुए हैं, लेकिन अभी first जो है ये है he. अब who was annoyed? He से क्या मुराद है ये जानने के लिए who was he? ये जानने के लिए आप text में पीछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि he जो है वो refer कर रहा है Ali को. अब दूसरा जो anaphoric reference का example है वो है it. So what was closed? ये जानने के लिए आप टेक्स्ट में पीछे जाएंगे, तो आपको पता चल रहा है बैंक वॉज क्लोज. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ही रेफर्स टू अली, इट रेफर्स टू बैंक. तो एनाफोरिक वो रेफरेंस है जो टेक्स्ट में किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आपको टेक्स्ट पीछे देखना पड़े, टेक्स्ट में पीछे जाना पड़े, उसे कहेंगे एनाफोरिक रेफरेंस. मजीद एनाफोरिक रेफरेंस के एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड. तो यहाँ पे देखें हु हर्ट हिज हैंड, ये जानने के लिए आप टेक्स्ट में पीछे जाएंगे. ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ही जो है रेफर्स टू असलम, तो ही जो है वो असलम है. ठीक है, तो इस रेफरेंस को हम कहेंगे एनाफोरिक रेफरेंस. अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती चलूँ कि एनाफोरिक रेफरेंस में आपने नोटिस किया होगा कि जो नेम है टेक्स्ट में वो पहले ही मेंशन है. ठीक है, नेम पहले ही मेंशन है, जबकि टेक्स्ट में जो प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं वो नेम के बाद आ रहे हैं. ठीक है, ठीक है, प्रोनाउन जो है वो सेकंड पे आ रहे हैं. ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो नेम है वो के एनाफोरिक रेफरेंस में पहले ही मेंशन है और प्रोनाउन टेक्स्ट में बाद में आ रहा है. ठीक है, तो इस प्रोनाउन को जानने के लिए आप टेक्स्ट में पीछे जा रहे हैं. अब मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज अमंगस्ट द अली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा. ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ शी देखें तो शी प्रोनाउन है. हु वाज डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक. फॉर नोइंग दिस आप जो है टेक्स्ट में पीछे जा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि शी वाज हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. ठीक, तो इसे कहेंगे एनाफोरिक रेफरेंस. लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. अहमद थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो. अब यहाँ पे हु ब्रोक द विंडो ये जानने के लिए यू आर गोइंग बैक इन द टेक्स्ट. ठीक है, आप टेक्स्ट में पीछे जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ही वॉज अहमद. ठीक है, तो अहमद जो है वो किससे रेफर कर रहा है, ही को. ठीक है, अहमद जो है वो ही को रेफर कर रहा है. ठीक, आई होप आपको एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस दोनों समझ आ गए होंगे. तो एनाफोरिक रेफरेंसेस वो होते हैं जो टेक्स्ट में किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आप टेक्स्ट में पीछे जाते हैं, और जो कैटाफोरिक रेफरेंस होता है वो टेक्स्ट में किसी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए आप टेक्स्ट में आगे जाएँ, उसे कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.